गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम षष्ठ पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है प्रश्न मंच, जिसमें षष्ठी विभक्ति और संबोधन का प्रयोग किया गया है। षष्ठी विभक्ति, जिस भी शब्द में का की के आता है उस शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, और संबोधन किसी चीज को प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है संबोधन। इसमें प्रश्न मंच का अर्थ है प्रश्नों का मंच, जहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पर अध्यापिका हैं और छात्राएं हैं, कक्षा का चित्र है। इसमें अध्यापिका छात्रों से प्रश्न पूछती है, उसका वर्णन है। छात्रः नमो नमः अध्यापिके, छात्र अपनी अध्यापिका को नमस्कार करते हैं, कहते हैं नमस्कार अध्यापिका। अध्यापिका उन्हें उत्तर देती है, भो छात्रः चिरं जीवनं जीवित उपविशत, हे छात्रों चिरजीव हो उपविशत बैठो। अद्य अहम प्रश्नान् पृच्छामि, आज मैं प्रश्न पूछती हूँ। अहम है इसलिए पृच्छामि का प्रयोग हुआ है। अहम उत्तम पुरुष का एक वचन, इसलिए प्रच धातु में उत्तम पुरुष का एक वचन लगा है तो पृच्छामि बन जाता है। जो संज्ञा होती है वही क्रिया उसी वचन और पुरुष में प्रयोग की जाती है। छात्र अहो वयम उत्तरम वदाम है, पारितोषिकम छे विन्दाम है। छात्र बोलते हैं हाँ हम सब उत्तर देते हैं, और छा माने और पारितोषिक इनाम, विन्दाम माने पाते हैं। यहाँ वयम है इसलिए वादाम और विन्दाम का प्रयोग हुआ है। वयम माने हम सब, ये है उत्तम पुरुष का बहुवचन, इसलिए यहाँ पर भी क्रिया में उत्तम पुरुष का बहुवचन प्रयोग हुआ है। वद धातु है, वद माने बोलना और विंद माने पाना, तो विन्दाम बहुवचन उत्तम पुरुष का। अध्यापिका हेमलते एतत किम अस्ति, अध्यापिका हेमलता से पूछती है कि हेमलता एतत किम अस्ति, यह क्या है। हेमलता उत्तर देती है अध्यापिके एतत पुस्तकम अस्ति, यह अध्यापिका यह पुस्तक है। अब यह पुस्तक एक पुस्तक है इसलिए अस्ति आया है, एक वचन है। अध्यापिका वस्तु पुस्तकस्य नाम की, इस पुस्तक का नाम क्या है। अब पुस्तक का, अब का की के जिस भी शब्द में आता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए पुस्तक में षष्ठी विभक्ति के एक वचन का प्रयोग हुआ है पुस्तकस्य। सुधीर त्वं वद, सुधीर तुम बोलो। सुधीर पुस्तकस्य नाम रामायणम, अब अध्यापिका सुधीर से पूछती है है कि यह पुस्तक का नाम क्या है, सुधीर तुम बोलो। सुधीर उत्तर देता है पुस्तकस्य नाम रामायणम, पुस्तक का नाम रामायण है। यह पुस्तक का इसलिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है पुस्तकस्य, पुस्तक का नाम रामायण है। अध्यापिका बोलती है उचितम, ठीक है, रामायणस्य कवि कः, रामायण के कवि कौन है। अब वो प्रश्न पूछती है अध्यापिका कि पुस्तक का नाम रामायण है, रामायण के कवि कौन है। यहाँ रामायण के, इसलिए रामायणस्य आया है क्योंकि रामायण एक किताब के बारे में बात हो रही है, एक वचन है षष्ठी विभक्ति का एक वचन। भो विभोर वद, हे विभोर हो, यहाँ पर संबोधन का प्रयोग हुआ है, हे विभोर बोलो। विभोर बोलता है तुलसीदास है, तुलसीदास। अध्यापिका नहीं, तुलसीदास तुहु रामचरितमानस से कवि अस्ति, राधिके किम त्वं जानसि। अब अध्यापिका बोलती है नहीं, तुलसीदास तो रामचरितमानस के कवि हैं।
अब यह रामचरितमानस, ये भी पुस्तक का नाम है, एक पुस्तक है, इसलिए यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति के एक वचन का प्रयोग हुआ है। कवि है राधिके, वो राधिके की तरफ संबोधन करके पूछती कि राधिके क्या त्वम, क्या तुम जानसी, जानती हो। अब यहाँ त्वम आया है तो त्वम में इसलिए जानसी का प्रयोग हुआ है, मध्यम पुरुष का एक वचन। राधिका आम रामायणस्य कवि महर्षि वाल्मीकि, हाँ रामायण के कवि महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायण के काकी के आगे, इसलिए रामायण में षष्ठी विभक्ति का एक वचन प्रयोग होगा। अध्यापिका, अध्यापिका पूछती हैं शोभनम, अच्छा है, आई कोकिले रामायणस्य नायके के, अरे कोकिला, अब वो कोकिला की तरफ संबोधन करके बोलती हैं, अरे कोकिला रामायणस्य नायक के है, रामायण के नायक, नायक माने हीरो, रामायण के नायक कौन है। कोकिला महोदय रामायणस्य नायके श्री राम, महोदय रामायण के नायक श्री राम है, रामायण के हीरो श्री राम है। अब यह रामायणस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन।